नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। मथुरा जमुनापार स्थित पटेल नगर में भीषण गंदगी का अंबार और विगत कई वर्षों से नहीं हो पा रहा विकास। कॉलोनी विकास से अछूती नगर निगम का नहीं कोई ध्यान। जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई। पार्षद देते रहे विकास का भरोसा, विकास के नाम पर वायदे हुए खोखले साबित। जमुनापार पटेल नगर से देखिए आरपीएस समाचार मथुरा जिला संवाददाता सपना ठाकुर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आज हम पहुंचे हैं जमुनापार के पटेल नगर में, जहां पर कुछ महिलाओं की समस्या है आज के विकास को लेकर के। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ दिन पहले पाइपलाइन को डाला गया है और इन्हीं से पूछते हैं कि क्या इनको परेशानी है। क्या परेशानी है भाभी जी? ये परेशानी है जगह जगह से पाइपलाइन खुल जाए, पानी में मट्टी आ रही है। तो कहने का मतलब सक्सेस नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पाइपलाइन डाली गई है वो सक्सेस नहीं है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं कराई? कराई, वो देखने वाले भी आए नगर निगम से। तो इनका कहना है कि पाइपलाइन जगह जगह फूटी हुई है और पानी पीने के मतलब का नहीं है, और सरकारी पाइपलाइन डाली गई है। जो कि कितने दिन हुए इस पाइपलाइन को डाले हुए? अपने अपने 3-4 महीने हुए।